मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे आप अपने जीवन की बुराई को ठीक करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा कि सत्संग की व्यवस्था। सत्संग समझते हैं? हैं? कितने लोग इसमें सत्संग समझते हैं? सत्संग, सत्संग किसको कहते हैं? एक आदमी को खड़े, संतों की संगति, और कोई अच्छे लोगों की संगति, सत्संग। सत्संग बूढ़ा करता है कि नौजवान? बूढ़ा, बूढ़ा करके क्या करेगा? अब मान ली दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, ना हम किसी का लाभ पहुंचा सकते हैं, ना किसी का हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोग सुन के क्या करेंगे? किसको सुनना चाहिए? नौजवान को सुनना चाहिए। हालांकि आजकल शेरों की संख्या घट गई है और घटते ही जा रही है, नौजवानों की संख्या भी घटते जा रही है। क्या बात करते हैं, 65% हैं हम भारत में, भीड़ हैं, युवा कितने हैं उसमें? जींस पहन लेने से, टी शर्ट पहन लेने से, हेयर स्टाइल बना लेने से अगर युवा है और इसको युवा कहते हैं, तो मैं तो ऐसे लोगों को युवा नहीं मानता। युवा किसको? जो ना आगे सोचता है ना पीछे सोचता है। सोचता है वो, हिसाब लेके बैठता है, ऐसा युवा। अभी जो मुख्यमंत्री बनते हैं या बहुत सारे लोग सेंट्रल से लेके मंत्री तक बने हैं, ये कब के उपज हैं? इनका पैदावार कब हुआ था कोई जानते हैं तो बताइए? अब चूंकि चुनाव का दिन है इसलिए पूछ रहे हैं। अभी जितने लोग पक्ष विपक्ष सबकी बात मैं कर रहा हूँ, जितने नेता अभी हैं आपके बिहार में, इस सब कब के उपज हैं? इनका पैदावार कब हुआ था? कौन आंदोलन? 1974 का आंदोलन, छात्र आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या था? छात्र आंदोलन। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और छात्र आंदोलन में बहुत सारे लोग कूद गए। अगर वो हिसाब लेके बैठते, अरे कूदेगा जेल भेज देगा तब रे, तो मेरे समझ में शायद आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते, शायद विपक्ष में कहीं नेता नहीं होते। कहां होते उनको कोई जानता भी नहीं। आगे पीछे वो सोचे, परिणाम की चिंता? युवा कभी परिणाम की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ कर्म करता है। युवा कौन? सिर्फ कर्म करने वाला, हमेशा इतिहास साक्षी है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अच्छे ही तो ठीक मोटिवेशन दिए। उनको कौन मोटिवेट किया था? आप लोगों को तो रोज हरकाया जाता है, पिलाया जाता है, पी के डकार मार के फिर निकल जाते हैं। शरबत आज मीठ कम था नहीं रे। मतलब क्या? हम डकार मारने वाले नौजवान, हमारा शादी नहीं हुआ, अभी नहीं होगा, कमा रहे हैं। अरे नहीं, माफ करिएगा। तो युवा कौन? हम तो खोजते हैं युवा, हमको नहीं मिल रहा है। इक्का दुक्का कोई कोई लोग मिलते हैं जो काम करते हैं भगवान का, युवा नहीं मिल रहा है। अकाल है इन दिनों युवा का, खोजने से नहीं मिलता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसी भीड़ में से निकलेगा। इसलिए भाई, अभी आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही थी, आप उस पर चिंतन करो, सोचो, विचार करो। शरीर बीमार होता है तो उसका इलाज है, लेकिन इन दिनों शरीर बीमार है कि नहीं है? क्या बीमार है? मन बीमार है। मन है कि मानता नहीं, क्या करें, हो गया। सोचे नहीं होगा, मतलब मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, मन हो जाता है। लड़का आके हमको बोलता है, भैया वो जो संडे में आते हैं, हम अच्छा करते हैं, आते रहिए,
आते हैं एक आध दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर मन हो जाता है। अच्छा साहब, पावर कितना है? पावर बहुत कम है। ये कम पावर का युवा क्या कर सकता है? इसलिए भाई अपने को पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, ताकतवर बनाइए। कैसे बनाएं? इसी का नाम क्या है? सत्संग है। सत्संग, जैसे लोगों की संगति करोगे वैसे ही बन जाओगे। आप प्रयास करके देख लो। कोई खैनी खाने वाले से आप दोस्ती करिए, आप नहीं खाते हैं ना, इसमें से कोई खैनी नहीं खाता है ना? आप किसी खैनी खाने वाले से परिचय कर लीजिए, जान पहचान, दोस्ती। शुरू शुरू में आप नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद, नहीं ज्यादा तो नहीं लेते हैं, एक आध दो बार हम ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं। क्या हुआ? उसकी संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ना शुरू हो गया। ये युवा मंडल क्या है, यहां अच्छी संगति मिलती है, विचार ही अच्छे नहीं मिलते हैं, अच्छी संगति मिलते, यहां अच्छे विचार ही नहीं मिलते। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, संगतिकरण। ये गुरुदेव ने लिखा है, सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। घर में भी झोल मकड़ा लगता है तो उसको साफ किया जाता है, शरीर में भी गंदगी लगता है रोज स्नान करते हो, लेकिन मन के स्नान की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा किसको स्नान कराना चाहिए? और मन को स्नान कराने के लिए ध्यान से बढ़िया कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र से बढ़िया कुछ नहीं है, मन की स्नान कराइए। फिजिकल फिटनेस के लिए इन दिनों लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक से एक नियो फिटनेस, कौन फिटनेस, सब जिम सब खुला हुआ है, एक से एक मुस्टंड लोगों को देखेंगे। सुबह सुबह अगर आपको दर्शन करना है आप कर सकते हो, पसीना बह रहा है, बाहर निकलेगा, पूछिए उससे क्या हाल है, शरीर तो है, मन से क्या है, वो बीमार है, परेशान है। तो साहब मैं शरीर को अच्छा बनाते हैं, आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन मन को भी अच्छा बनाने के लिए कोशिश करिए। अध्यात्म उसी का नाम है। अध्यात्म क्या करता है, किस चीज को बनाता है? मन को अच्छा बनाता है। और आप जानते हो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कलाम साहब का चेहरा कैसा था देखने में? सलमान खान की तरह था, आमिर खान की तरह, कैसा था चेहरा के रूप में? अगर किसी का पर्सनालिटी नापा जाए तो कलाम साहब को कैगो नंबर दीजिएगा? अगर किसी का चेहरा देख के नंबर देना हो, जैसा कि आज आप लोग अपना लुक बना के निकलते हैं, तो इसमें अगर नंबरिंग आपको देना हो ईमानदारी से चेहरा पर, तो कलाम साहब को कैगो नंबर मिलेगा? लेकिन अगर किसी के व्यक्तित्व पर नंबर देना हो तो इसका मतलब क्या है? अपने यहां एक गाना भी है, चेहरा क्या देखते हो है? क्या गाना है? चेहरा क्या। अब जिसका चेहरा कमजोर होगा आज खुश हो रहा होगा, तो भैया अच्छा टिप्स दे दिए, यही गाना सुनाएंगे जाके, दिल में उतर के देखो ना, ये गाना है, चेहरा क्या देखते हो। मतलब क्या? दिल की सुंदरता, मन की सुंदरता। और जिसका दिल और मन सुंदर होता है, मैं दावा कर सकता हूं संसार उसको सैल्यूट करती है। गांधी जी देखने में कैसे थे, नेहरू कैसे थे? नेहरू चिक चक थे, सुंदर थे, बड़े बाप के बेटा थे, लेकिन गांधी का चेहरा वैसा नहीं था। लेकिन नेहरू जैसे सुंदर चेहरे वाले भी कहां नतमस्तक हुए? इसका मतलब क्या है समझ जाओ नौजवानों, सुंदरता बाहर नहीं है, सुंदरता कहां है? जो अंदर से सुंदर होगा दुनिया उसको क्या करती है? सैल्यूट करती है, और हमेशा करती है। हमें क्या बनना है? बाहर से सुंदर की अंदर से कैसे? यही है गायत्री उपासना, यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का मूल मतलब यही है, भगवान खुश होते हैं कि नहीं, देवी खुश होते हैं कि नहीं, देवता ऊपर से उतर के आएंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर सच्चे मन से कोई गायत्री की उपासना करता है, ध्यान करता है, तो दिल का औसत पास मार्क, 100 में 100 तो फिर उसको हिमालय जाना होगा,
केदारनाथ के ऊपर, लेकिन उसका दिल औसत लोगों से, हमारे यहां बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम सब लोग 100 में 100 हैं, हम सब में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक बात ठीक है कि आज के समाज में चूंकि हम गायत्री जपने वाले लोग हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं, तो औसत दूसरे के मुकाबले हम जरूर अच्छे हैं। तो ये अच्छाई मेरे अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर, उनके अंदर कहां से आया? मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं मुझे थ्योरी में विश्वास नहीं है, थ्योरी दुनिया के लिए, भगवान तो प्रैक्टिकल जानता है। और दुनिया में किस चीज में नंबर मिलता है? लड़कियां कहां आकर्षित होती हैं? सुंदर चेहरा पर कि झुलसा हुआ चेहरा पर? गजब के गाल हले रे, सेव फेल हले ओकरा। लेकिन क्वालिटी, गुणवत्ता, यही चीज विकसित, वो आपके भीतर से विकसित होते चला जाता है, आपके अंदर से आते चलता है। बाहर से थोपा हुआ अच्छाई थोड़े समय के लिए हो सकता है कि आप रंगे सियार, नाम सुने, सियार था एगो जंगल में, सियार बड़ा कमजोर प्राणी होता है, एक नील के धोबी, कहीं नील, नील समझते हैं ना, कपड़ा में डाला जाता है, तो उसी में धोखा से कूद गया वो, लेकिन वो लौज में रहता था, उसका आदत था हुआ हुआ करने वाला, लेकिन जब नील में कूदा तो उसका कलर चेंज हो गया, युवा प्रकोष्ठ में आने लगा, लेकिन आदतवा जब उसका सब साथी सब रूम में वीडियो देखे हुआ हुआ करे तो उसका मन चिहुकता था। एक दिन वो भी हुआ कर दिया, पकड़ा गया कि ये भी रंगा सियार है। ऐसा मत बनिएगा, भारी बदनामी होगा। इसलिए भैया आने वाला समय सुन लो क्वालिटी का है। मेरे भाई कल एक मिले, दिल्ली से आए हैं, पुराने युवा मंडल के भाई हैं, 12-14 साल पहले युवा मंडल में काम करते थे। वो उस जमाने में कहते थे कि भैया आपने एक बात कही थी, उस समय 10-20 लोग हम लोग हुआ करते थे, 25-50 लोग, कि हजारों की भीड़ युवा मंडल में आ रही है। तो मुझे लगता था कि भैया ये क्या सब बोलते हैं, लगता है हम लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए सब बात बोलते हैं। लेकिन आज जब मैंने उस दिन देखा ऊपर नीचे पूरा हाउस फुल, तो मुझे लगा भैया उस जमाने में कहते थे कि हजारों की भीड़ आ रही है, आज तो दिखाई पड़ रहा है कि हजारों की भीड़ आ रही है। याद रखो, हम पहले बोलते हैं, काम बाद में होता है, भगवान हमसे बुलवा लेता है। आने वाला समय क्वालिटी का है, अच्छे लोगों का है, अच्छे लोगों का समान में, समाज में वैल्यू बढ़ने वाला है, ये नोट कर लीजिए आप। आपका समाज में इज्जत होगा, हर जाति के लोग आपका इज्जत करेंगे समाज में, और समाज में आने वाले दिनों में पैसा वाला का इज्जत नहीं होगा, किसका होगा? पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा, वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक संगीत है, पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा, वह युग आने वाला है। कोई आप हमारे युवा मंडल में भाइयों से बात करके देख लो, चाहे मनीष जी हो, चाहे निशांत रंजन जी हो, चाहे कोई हो, हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता, छोटा से छोटा भाई भी, हम सब लोग एक साथ एक भाव से काम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये नहीं कहते हैं अच्छा हम तो क्लास में पढ़ाते हैं, तुम जूस बेचता है, हमारे भाई लोग हर्बल जूस का काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भाई नहीं कह सकता है कि तुम जूस बेचता है, हम लोग तो पढ़ाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ टेबल पर गुलदस्ता उलदस्ता भी रखते हैं, चम 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 चम, ऐसा कोई कहता है क्या? वो भाई भी आके हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ यात्रा करते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। गायत्री परिवार में ये कहा ही नहीं जाता है, वो करके दिखाना शुरू कर दिया है, समाज में एक रूपता आ रहा है, आने वाला समय ये बढ़ने वाला है। कोई भी काम करेगा उसका सम्मान घटेगा, उसका सम्मान, वो अगर सब्जी भी बेचता है, आप उस देश के निवासी हो, उस देश में रहने वाले हो जिस देश में ऐसे ऐसे संत पैदा हुए, क्या सीते थे वो, क्या सीते थे? जूता सीने का काम करते थे। कौन? संत रैदास। यही बनारस के घाट पर संत रैदास जूता सीते थे, और कितने साधु महात्मा संत गंगा जी का स्नान करते थे, हैं?
जो गंगा जी का स्नान करते थे उन साधुओं का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन जो जूता सीता था हृदय से भगवान को याद करता था, आज वो संत रैदास है और आज उनका सम्मान पूरे देश में हर जगह है, लोग भाव से झुक जाता है। तो हम तो उस देश के निवासी हैं। कर्म के आधार पर न तो किसी को छोटा समझा जाए और न किसी को बड़ा समझा जाए। इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हर लोगों को जब सम्मान मिलने लगेगा तो लोग किसी काम को करने में छोटापन अनुभव, क्या ये नहीं चाहिए? ये चाहिए या ना? आज गरीबी क्यों है? आज गरीबी का मूल कारण, गरीबी का मूल कारण ये नहीं है कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। गरीबी का मूल कारण है कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं करो, जींस पहन के घूमो, लेकिन कुछ करो नहीं, ये भाव कौन मिटाएगा? यही अध्यात्म है, आध्यात्मिक समाजवाद। ये बात किसने कहा है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा है, उनकी किताब है, पढ़ लीजिएगा, कि आने वाला समय कैसा होगा? आध्यात्मिक समाजवाद। समाजवाद मतलब ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, ना कोई ऊंचा होगा ना कोई। आप एसपी बन जाओ और आपके चैम्बर में कोई आपसे मिलने जाए, आप उसको पानी पिलवाओ, वो बड़ा आश्चर्य करेगा, बड़ा अच्छा आदमी था भाई, ऐसा एसपी तो देखे नहीं, पता लगाइए, अरे ये तो गायत्री परिवार का है इसलिए पानी पिलवाया। क्या ये वातावरण नहीं मिले? ऐसा समाज बनने वाला है, ऐसा समय आने वाला है। और जो ऐंठ के चल रहे हैं, ऐंठ के ऐंठन महतो, वो सावधान हो जाएं, वो सावधान हो जाएं। रावण को सब लोग समझाया कि ना ऐंठा चचा, लेकिन रावण कहां समझ, हमर घर जहाना तोहरे बेगू, अच्छा नहीं समझा। रावण के नाना भी गए समझाने, रावण के नाना के क्या नाम था, वो भी गए समझाने कि बउआ मान जो नहीं आई ठे के ठीक नहीं है। का नाना तुह कहू, हम मकामा वाला हमर मामू कहाँ गया? ये प्रकृति ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। अगर आप शेर बन के घूम रहे हो और सोचते हो हम तो हैं, तो नेचर क्या करता है, एक सवा शेर को भेज देता है, भैया अब जाओ ओकर हिसाब कर दे, कांटा से कांटा निकाल लिया जाता है। सावधान। मैंने बड़े बड़े हीरो को देखा है इस पटना में, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे पता, बीएन कॉलेज मेन हॉस्टल, ऐसे बाप रे, कालर कालर ऐसे रहता था ना, ऐसे खड़ा करके कालर ऐसे। आज उनकी दशा मैं जानता हूं। दिल्ली में सुपरवाइजर, अभी चलिए मैं इंडिकेट नहीं करना चाहता, पटना कलेक्ट्री में, इस कलेक्ट्री में पटना जहां आफिडिफिट बनता है, आफिडिफिट आफिडिफिट आप लोग को अनुभव होगा नहीं होगा। मैं एक दिन अपनी गाड़ी से जा रहा था, सैदपुर हॉस्टल के भैया, भैया किसको कहते हैं, भाई के भैया, वो भैया एगो थे उस जमाने वाले, तो सब खड़ा रहता है लाइन से यहां से वहां, जैसे ही आप गाड़ी रोकिएगा, ए आपी डिफिट आपी लगेगा, आपका गेट खोलेगा नहीं तोड़ देगा। तो वो थे आपी डिफिट आपी फिट, हम कहे कि अरे चेहरा कुछ चिन्ह, वो चिन्ह गए, कहे कहे कि आप मनीष हो, हम कहे हाँ, कहाँ से कहाँ चले गए, हम लोग देखिए इसी काम को कर रहे हैं। हम कहे नहीं यार करते रहिए, अच्छा है आऊ जमाना में जो ऐठा हलू, हम एडमिशन लेबे करबो, बम मार देबो, तो बम उल्टे तोरे ना लगलो जो आप ही डिफिट बनबैले हो। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर क्रिया के खेलो खेल, अभी समय है। जब ये मैं गांव में देखते हैं,
अपने जमाना का धुरंधर तिकरमी, जिसके तिकरम से गांव परेशान रहता था, आज अपन बेटा से परेशान है। काहे हो चचा, अपन याद करो ना, कर्म फल मिलो हो, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो ये सब जो है गाल उल कोई ना पूछतो। लड़की कितना गाल लेगी, क्या करेगी गाल लेके, यहाँ टन के भाव से गाल है, टन कई टन गाल चाहिए। आप ही का गाल विशेष है, क्रीम लगे ले हैं, गायत्री मंत्र इसको कहते हैं।